नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और वो खुशखबरी क्या रहने वाली है जाने। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस की एक बहुत बड़ी भर्ती होती है, उसी प्रकार केंद्र में दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने आई है। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं केंद्र की जो दिल्ली पुलिस की भर्ती आई है उनके क्या क्या तो पद हैं, कितने पदों में भर्ती होने वाली है, कब से इसका एग्जाम फॉर्म कब से भर रहे हैं, क्या इसकी आयु होने वाली है, क्या इसकी योग्यता रहेगी, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के में, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो सपना वर्दी का रख रहे हैं और अपने मम्मी पापा का सपना साकार करने चाह रहे हैं और वर्दी लौट के आप अपने घर पे अपना परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो जुड़िए दोस्तों। आज इसकी सारी जानकारी आपको, कुछ महीने आपके पास में बचे हैं, बिल्कुल कम बचे हैं, और कम महीनों में आप किस तरीके से तैयारी करें, किस अपनी तैयारी को कैसे मुकाम देंगे आप, सारी चीजों के विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिए देव क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वीडियो के एंड तक देखिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आ चुकी है और दिल्ली पुलिस की भर्ती की तैयारी में बहुत सारे युवा लग चुके हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि अपन पढ़े क्या, किस तरीके से अपने को पढ़ना है, आयु क्या रहने वाली है, तो इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आपके दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आई है वो आई है आपके 7,547 पदों की। बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है। 7,547 पदों की आपके सामने भर्ती आ चुकी है दिल्ली पुलिस की। और इस भर्ती के अंदर योग्यता क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर पुरुषों की भर्ती अलग रहने वाली है और महिला के पद अलग रहने वाला है। महिला के पद अलग रहेंगे और पुरुष के पद अलग रहेंगे। महिला और पुरुष के अंदर पद क्या क्या रहने वाला है सर, वो भी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं कि महिला के पद तो क्या रहेंगे और पुरुष के पद क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर योग्यता बताएंगे, आपके सिलेबस की जानकारी, आयु, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कब होगा, सारी जानकारी इसके अंदर मैं देने वाला हूं। देखिए मित्रों, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद में आपका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया। डेट आपको दे दिया गया है कि जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 1/1/2023 से, मतलब 1 सितंबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और भरेगा कब तक सर, कि ये भरेगा आपका 30/9/2023 तक, मतलब 30 तारीख तक फॉर्म भरेगा। 1 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 30 तारीख तक इसका फॉर्म भरेगा, 30 तारीख तक फॉर्म भरेगा। और इसका जो एग्जाम सर, कि एग्जाम जो रहने वाला है मित्रों, आपका एग्जाम होगा, वो आपका एग्जाम होने वाला है 2 दिसंबर 2023 के अंदर। मतलब सर कि फिर अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास में 2.5 से 3 महीने बचे हैं। अब 2.5-3 महीने में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कम समय के अंदर आप कैसा अपना सपना साकार कर सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल इसके अंदर सब्जेक्ट भी कम है और समय भी कम है। अब कम समय में अपनी सब्जेक्ट को कैसी पकड़ करें, कैसे कितने क्यों सुनाएंगे, ये सारी जिम्मेदारी आपके पास में है कि सारी जानकारी आपको मैं दूंगा कि इसके अंदर इतने क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, इतने क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपका 30 तारीख तक फॉर्म भरेगा, 1 तारीख से फॉर्म भरना, यानी जो 1 तारीख आपकी गई है कल, उससे आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपके इसके अंदर पुरुष, जो टोटल पुरुषों की संख्या जो आपके पुरुष लेंगे इस भर्ती, वो कितने लेंगे, 4,453 ये आप इसके अंदर पुरुष लेंगे। पुरुषों की जो संख्या रहेगी इसके अंदर, इस दिल्ली पुलिस के अंदर, वो कितनी रहेगी, वो रहेगी आपकी 4,453। सर महिलाओं की कितनी रहेगी, और महिलाओं की रहने वाली आपके दोस्तों, महिलाओं की रहेगी 2,491 महिला रहेगी। और आपको पता है कि 4,453 आपके क्या रहने वाले हैं, पुरुष आपके रहने वाले हैं। तो इस प्रकार टोटल पद आपको दे दिया है 7,547, ये टोटल आपके पद दे दिए हैं, 7,547 पद आपके दे दिए हैं। अगर सर इसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, आप देखो दिसंबर तक आपका टाइम दे रखा है, दिसंबर से जनवरी के बीच इसका एग्जाम हो जाएगा, तो सर इसका जो पैटर्न दे रखा है वो पैटर्न क्या क्या है। अब की बार जो इसका जो टाइमिंग दे रखा है वो 90 मिनट का टाइम दिया आपको,
90 मिनट में आपको कंप्लीट पूरा पेपर करना है, और 90 मिनट के पेपर के अंदर क्या क्या रहने वाला है तो याद रखना मित्रों, आपका 50 क्वेश्चन आएगा जो आपका इंडिया जीके से और करंट अफेयर से, जो करंट जीके हैं वो रहेगी आपके, और इंडिया जीके का जो पार्ट रहेगा जैसे मुख्यमंत्री से सॉरी प्रधानमंत्री से लेकर आपकी सारी चीजें आपको पूछा जाता है, और कई नदी नालों से आपका पूछा जाता है, और आपके समसामयिक की जनसंख्या के बारे में आपको पूछा जाता है, ये सारी चीजें इसके अंदर देगा 50 क्वेश्चनों के अंदर। 50 क्वेश्चन के अंदर आपका करंट अफेयर दे देगा और इंडिया जीके का पार्ट आपका 50 क्वेश्चनों के अंदर देगा। उसके बाद में आप जानते हो रीजनिंग, और रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, जो तर्क शक्ति के क्वेश्चन देंगे वो आपके देंगे 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 25 क्वेश्चनों के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। उसके बाद में आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, आपके मैथ्स हो गई, आपके रीजनिंग हो गई, आपके जीके हो गई, आपका जो मैथ्स का पार्ट आएगा, जो आपकी जनरल जो मैथ्स होती है आपकी, उसका पार्ट आएगा वो आपके 15 क्वेश्चन का पार्ट आएगा। मैथ का जो आपका पार्ट रहेगा वो कितने क्वेश्चन का रहेगा, 15 क्वेश्चन का आपका पार्ट रहने वाला है। जीके का पार्ट 50 क्वेश्चन का, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का, एक बच गया आपका 10 क्वेश्चन का जो पार्ट बच गया वो आपका कंप्यूटर का बच गया। कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान होता है कंप्यूटर का, वो सामान्य ज्ञान जैसे आपका कंप्यूटर, आपका एमएस आ गया, एक्सेल आ गया, एमएस वर्ड आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, आपके इसके अंदर नेटवर्क आ गया, इंटरनेट आ गया, आपके मेमोरी आ गई, आपके इसके अंदर पीडी वगैरह आ गई, इससे लेकर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो टोटल आपके क्वेश्चन पूछेंगे आपका 10। तो टोटल मिला के जो क्वेश्चनों की संख्या हो गई वो टोटल मिला के क्वेश्चनों की संख्या हो गई 100, और कितने मिनट तक रहेगा सर, 90 मिनट तक। 90 मिनट में आपका जो एरिया है, इन क्वेश्चनों का जो एरिया है उसको आपको कवर करना पड़ेगा, 90 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और 90 मिनट में आप जानते हो दोस्तों 50 क्वेश्चन जीके के, जैसे आप पहले से तैयारी कर रखे हो थोड़ी सी और अच्छी से तैयारी कर लो, 50 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन रीजनिंग आप थोड़ी सी पहले आती है, थोड़ी सी और तैयारी करो, 25 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। और उसके बाद में आपके 15 क्वेश्चन आपके किसके मैथ्स के हो जाएंगे। उसके बाद में आपके रीजनिंग सॉरी कंप्यूटर बच गया, कंप्यूटर बच गया आपका 10 क्वेश्चनों का आपका बच चुका है कंप्यूटर। इस वाला ऐसे टोटल मिला के आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चनों का जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 90 मिनट दे रखा है। उसके बाद में जो जनरल जीके या आपके करंट अफेयर्स, ये सारा पार्ट आपको दे रखा है, क्या क्या क्वेश्चन। रीजनिंग के अंदर आपका आ गया दिशा आ गई, आपका डायरेक्शन आ गया, कथन तर्क आ गया, कथन निष्कर्ष आ गया, कथन पूर्व धारणा आ गई। उसके बाद में अगर आपको पूछा जाता है जैसे श्रृंखला आ गई, लुप्त संख्या आ गई, आपका डेसिमल नंबर, इसके अंदर ही आपको एक साधारण भिन्न का और बड़ी भिन्न, छोटी और बड़ी भिन्न का भी इसके अंदर दे दिया, जैसे अभी बीएसटी से में पूछा जाता छोटी बड़ी भिन्न का, वो अब आपका इसका अंदर दे दिया है। आपके पास समानता एवं असमानता, ये भी रीजनिंग का एक पार्ट है, समानता और असमानता, इनपुट और आउटपुट, ये भी रीजनिंग का एक पार्ट है। उसके बाद में आपके मैथ्स वाला पार्ट दे दिया, और मैथ्स के अंदर क्या दे दिया, आपके लाभ हानि है, चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज है, उसके बाद में आपकी पाइप और टंकी है। उसके बाद में आपके बाद इसमें एक पार्ट और दिया है, कर्मचे संचय और प्रायिकता, कर्मचे संचय और प्रायिकता, एक मैथ का टॉपिक होता है कर्मचे संचय और प्रायिकता, वो भी इसके अंदर आपका इसके अंदर दे दिया है, और कई चीजें इसके अंदर दे रखी है। ये टोटल मिला के इसमें मैथ्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 15 क्वेश्चन, रीजनिंग में से 25 क्वेश्चन आएगा। दोस्तों ये आपका छोटा लेवल, एक छोटा पार्ट है, अगर आप छोटा पार्ट को अपना नियमित समय बनाकर, आपने समय सारणी बनाकर यदि आप जिस दिन से तैयारी करने लग गए तो दावा है आप दिल्ली पुलिस की वर्दी को आप सपना साकार करोगे, ये 100% में दावा के साथ मैं कह सकता हूं। क्योंकि इतना जो सिलेबस, बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, छोटा सा, जैसे राजस्थान पुलिस में बहुत बड़ा सिलेबस आ जाता है, पूरे राजस्थान की जीके आ जाती है, पूरा इंडिया जीके आ जाता है, पूरी रीजनिंग आ जाती है, पूरी कंप्यूटर आ जाता है, पूरा पार्ट दे देता है। लेकिन दिल्ली पुलिस में क्या है, दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन इंडिया जीके से आएंगे, करंट जीके से आएंगे, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी और कंप्यूटर आएगा, इसके अलावा है कुछ नहीं। बस आपको अपना दृढ़ संकल्प लेना है कि मेरे को अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और अंदर 3 महीने के अंदर अंदर मेरे को सिलेक्शन लेना है। दोस्तों पेपर के बाद में इसके फिजिकल होते हैं, जैसे ऊंची कूद, नीची कूद, ऊपर वाली आपके लंबी कूद होती है, वो एग्जाम के बाद की बातें होती हैं। आप पेपर पास करो, बाद की बातें बाद होती है, आप पेपर पास करें अच्छी तरीके से। और सर इसकी जो उम्र रहने वाली है वो कितने वर्ष रहने वाली, 18 वर्ष, 18 वर्ष इसकी उम्र रहती है। 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु के फॉर्म, बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। सर 25 वर्ष से ज्यादा नहीं भर सकते क्या? हाँ 25 वर्ष से ज्यादा भर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है गवर्नमेंट सरकार द्वारा, जैसे आपका एसटी को छूट मिलती है, एससी को छूट मिलती है, ओबीसी पे छूट मिलती है, कितने कितने 5-5 साल की, किसी में 3 साल की छूट मिलती है। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, मतलब 30 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं, और एससी एसटी वाला
ओबीसी में 3 साल की छूट मिलती है, मतलब 28 साल तक का फॉर्म भर सकता है, लेकिन करीबन जो आपकी कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए आपकी, 18 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। दोस्तों अब ये बारे में सारी जानकारी मैंने दे दिया कि इसकी टोटल पोस्ट है 7,547, पुरुषों के अलग दे दिया मैंने, पुरुषों की मैंने बताया 4,453 बताया, 2,493 महिलाओं के बताया, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों अगर आपका सपना यदि वर्दी का है, यदि सपना वर्दी का है तो आज से ही अभी से ही अपनी नोटबुक उठा लीजिए, नोटबुक उठाने के बाद में लग जाइए तैयारी के बाद में, ये कह रहा हूं मैं, अपने मम्मी पापा का सपना साकार जरूर होगा। दोस्तों अभी अगर आपने देखा होगा तो देव क्लासेज के द्वारा अभी L1 का रिजल्ट आया था, जिसमें सैकड़ों यानी 97 से प्लस अपने देव क्लासेज से सिलेक्शन थे L1 के अंदर। उसी प्रकार फिर आगाज हो चुका, अब दिल्ली पुलिस की बारी है, दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली पुलिस की बारी है, और दिल्ली पुलिस के अंदर दावा किया है कि अब सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा करवाने का पूरा दावा किया है, कि जिस प्रकार L1 में तैयारी की थे बच्चे, और उसी प्रकार L1 की जैसे बच्चों के सिलेक्शन हुआ है, उसी प्रकार दिल्ली पुलिस की बारी है, और दिल्ली पुलिस का बैच प्रारंभ हो चुका है, वो हो चुका आपका 4 सितंबर सोमवार 4 सितंबर प्रातः 8 बजे से और दोपहर 2 बजे से। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। आपकी 1 घंटा रीजनिंग की क्लास चलेगी, 1 घंटा कंप्यूटर की चलेगी, और 1 घंटा आपके मैथ्स की क्लास चलेगी, 1 घंटा करंट अफेयर्स की चलेगी, 1 घंटा आपके इंडिया जीके की आपकी क्लास चलने वाली है। तो आप अब आपके पास में समय है, और समय बहुत कम है, 2 महीने का हमने टारगेट लिया है कि 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे, उसके बाद रिवीजन करवाएंगे। कौन कहता है कि बच्चे नौकरी नहीं लगते हैं? दोस्तों आपने जब ठान लिया है तो आपका हर सपना साकार होगा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सोमवार प्रातः 8 बजे से और दोपहर 2 बजे से आपका स्वागत है। हम आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। तो दोस्तों जो बच्चे वर्दी का सपना रखते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे सभी मित्रों तक शेयर करें। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।